नमस्ते बच्चों, इस वीडियो में हम बीच के सफर के बारे में जानेंगे। बच्चों, बीच किसे कहते हैं? टीचर, एक दिन मेरे दांतों में सेब खाते हुए कुछ फंस गया था। मम्मी ने निकालते समय बताया ये सेब के बीच है। बिल्कुल ठीक ग्याफी, सेब के बीच कठोर होते हैं जो दांतों में फंस जाते हैं। हमें उसे निकाल कर सेब खाना चाहिए। बच्चों, क्या आप जानते हैं पौधा उगाने के लिए बीज बहुत जरूरी होते हैं? अगर हम बीजों को फेंकने के बजाय मिट्टी में दबाकर उसमें पानी डाल दें तो वह बीज पौधा बन जाएगा। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि बीज को उगाने के लिए कौन सी चीजों की जरूरत होती है? एक बीज को उगाने के लिए जरूरी है मिट्टी, धूप और पानी। यदि बीज को ये सभी चीजें नहीं मिलेंगी तो पौधा नहीं उग पाएगा। पर मैडम, हमें कैसे पता चलेगा कि बीज सही से उग रहा है? जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं और अंकुर ऊपर की ओर बढ़ते हैं। कुछ दिनों में अंकुर पत्ते बन जाते हैं। पत्तियों को धूप से ताकत मिलती है और छोटा पौधा बड़ा पेड़ बन जाता है। यह फूल और फल देते हैं, तब फल से बीज आते हैं। यह एक चक्र की तरह होता है और इसे ही हम बीज का सफर कहते हैं। बच्चों, यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं। क्या आप इन चित्रों को सही क्रम में लगा सकते हैं? चित्रों का सही क्रम पता करें और उसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। बच्चों, इस वीडियो में हमने बीच के सफर के बारे में जाना।